महज दूसरी क्लास में पढ़ने वाला 8 साल के रौनक के अचानक गायब होने से घर की खुशियों को ग्रहण लग गया है। बीते दिन दुकान पर चीज लेने के लिए निकला रौनक 24 घंटे बाद भी वापस नहीं लौटा। हाँ, उसके पीछे एक चिट्ठी पत्थर के साथ परिजनों को जरूर मिली है, जिसमें लिखा था कि 2 दिन में 15 लाख का इंतजाम कर लो और हाँ, पुलिस को मत बताना, नहीं तो रौनक की लाश मिलेगी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ये भी कहा है कि जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो दीवार पर निशान बना देना। परिजनों ने दीवार पर निशान तो बना दिया, मगर अभी तक रौनक का पता नहीं चला है, जिसके चलते मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। 9 बजे से जी मैं आसारा काम करका जी, मैं वहाँ पर लेकर न गई जी, वहाँ पीछे पीछे मेरे बच्चे गए। वहाँ जाने के बाद वो नीचे बैठक में कॉपी कुपी खोली, फिर बोला मम्मी चीज दुआ दे, मानसी था फिर मेरे तभी मगा ना बेटा मानसी तो मैं नहीं गिर तो ले जा। नो बोला ठीक है मम्मी, तो फिर मेरे तो दे दे जी। तो फिर जी मैं बोली मैं ना ले, उसका जी एलर्जी है सिर में, एलर्जी नुआने के बाद मैंने उसके सिर में दवाई लगाई जी। दवाई लगाने के बाद वो थोड़ी देर बैठ कर एक आधा टुक रोटी का खाए, धक्के था मैंने उसको लस्सी पियाई भाई पी ले। उसके बाद वो बोले जी मैं घर जाऊँ ताई के पास खिचड़ी खाऊंगा। मगर जा बेटा, मगर बाहर कहीं दूर मत जाना और ना दूर से चीज़ लेना, लवे की दुकान से चीज़ ले लेना। नो बोले हाँ मम्मी। मगर बेटा देख ले दूर नहीं जाना। नो बोले हाँ मम्मी, घर जाऊँगा सीधा। तो उसके बाद जी मैंने तेल निकालन गया उसके पापा, उसने पूछा अगर रौनक रौनक, फिर वो रौनक तो आया जी, मानसी आई, मानसी तेल गलवा के गई। मानसी से पूछा मैं घर पे आया, नहीं बोली ना, मॉर्निंग का जाकर देखूंगी। तो फिर जी 11 बजे हमारे घर के सामने खेल पानी की खेल है, वहाँ पर बच्चे नहा रहे थे, वहाँ पर बच्चे, हाँ जी 11 बजे वहाँ खेल पर था जी। घर पड़ोस के आदमी भी कहते, बच्चों से भी पूछा, उसके बाद नहीं पता जी कहाँ। सोमवार करीब 11 बजे दिन में आखिरी बार रौनक को बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया गया था। उसके बाद ना तो वो अपनी ताई के घर मिला और ना ही घर लौटा। पूरा मामला पानीपत के बराना गांव का है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई और आईपीसी की धारा 364A के तहत केस दर्ज कर जांच में जुट गई। मगर अभी तक रौनक का कोई भी सुराग नहीं मिला है। अचानक गायब हुए रौनक को परिजनों ने चारों तरफ ढूंढ लिया, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लड़का उठा लिया जी 11 बजे के आसपास जी। उसके बाद एक पर्ची फेंक गए जी, मैं घर में चिट्ठी फेंक गए भाई, पैसा 2 दिन के अंदर पैसा तैयार कर दी और पुलिस को बता तो लड़के की लाश मिलेगी और कांटे का निशान लगा दी वो दीवार पे भाई, जो पैसा जब तैयार हो जाए। 15 लाख की डिमांड करी जी। मैं खेल रहा था जी घर के बाहर ही जी। हाँ, पुलिस को सूचना दी जी। पुलिस की 5 टीमें लगातार रौनक का पता लगाने में जुटी हैं। और तो और गांव के लोग भी पहरा देकर परिजनों की मदद कर रहे हैं। देखना होगा कि कानून के लंबे हाथ आखिर रौनक तक कब तक पहुंच पाते हैं। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।